अगर कोई YouTube पे सक्सेस होना चाहे, जैसे आप क्या आइडिया दोगे कि पहले वो नया चैनल बना के काम करे या फिर ऑलरेडी उसका जो पुराना चैनल है उस पर काम करे? अभी अगले महीने की कमाई कितना होती है आपको? मेरे दोस्त, सबसे पहले आप ऐसी वीडियो को देखिए। जल्दी काजल से मिलने चलता हूँ। अरे रामू भिखारी जैसे गरीबों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। कैसे? दूसरों की वीडियो में अपना वॉइस ओवर देकर और कितना इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर कुछ ही दिनों में इन्होंने अपने चैनल पे आज 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बनाया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप यूट्यूबर बन सकते हो, कैसे आप भी इनकी तरह वीडियो बनाकर यूट्यूब से अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि अभी ये गांव में है और गांव में रहकर समझ रहे हो ना किस घर से हैं और आज इतनी मेहनत से अपने चैनल को यहां तक लेके आए हैं। तो भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हो और चैनल का क्या नाम है आपके? तो सर सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया। और सर मेरा नाम है सचिन और मैं यूपी के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। अच्छा, आपके चैनल पे अभी कितना मिलियन सब्सक्राइबर है? सर मेरे चैनल पर अभी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपका जो चैनल है वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने में कितना दिन लगा था उसको? सर वो तो मेरा 10-15 दिन में ही कंप्लीट हो गए थे और ग्रो होने में तो 1 ही महीना लगा था। उसके बाद जब 10-15 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे ग्रो होने के बाद 10-15 दिन टाइम लगा था। यस सर। अच्छा चलिए, अब कैसे आपने ग्रो किया इन सब के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताओ यार कि आपकी मतलब की फैमिली सिचुएशन कैसी है, आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी शहर में रहते हैं, वो एक कंपनी में काम करते हैं, कपड़े की कंपनी में। अच्छा, कितना अर्निंग होती है वहाँ पर? वहाँ पर सर 10 वो हिसाब से रहता है 10-15 हज़ार महीने का आ जाता है। और अभी इन्होंने जो चैनल बनाया उससे कितना पैसा कमाया ना वो देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप लोग गांव में रहते हो और वीडियो बनाना शुरू किए तो घर वाले खिलाफत थे या साथ दिए? नहीं सर, मेरे घर वाले पहले तो सपोर्ट नहीं करते थे और मैंने छुप कर वीडियो बनाया है और अभी तो सही है। अच्छा, आपने घर से मतलब घर वालों से छुपा कर वीडियो बनाना शुरू किया था? यस सर। अच्छा, जैसे होता है ना कि अगर गांव में आप वीडियो बनाओ तो लोग अक्सर ताने मारते हैं, पड़ोसी लोग, ये लोग वीडियो बना रहे, वीडियो थोड़ी पैसा आएगा, तो ऐसा आपके साथ भी कभी कुछ हुआ है? हाँ सर, मेरे पड़ोसी लोग भी बोलते थे तो मैंने उन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बस अपने काम को करता गया। तो अब बात करें जैसे कि आपको टोटल कितना महीने लगा, मतलब कि जैसे होता है ना कि आप कितने साल से वर्क कर रहे हो ऑलरेडी, अब कितना महीना मेहनत करने के बाद आपके चैनल पे व्यूज जाना शुरू हुआ था? मैंने चैनल तो बनाया था बहुत ही पहले, ये चैनल तो अभी 2023 में बनाया हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैं काम करता था, 2022 से ही मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो इस चैनल पे आपने टोटल कितने महीने काम किया कि आपका चैनल पे धीरे धीरे व्यूज जाना शुरू हुआ? सर 2 से 3 महीने मैंने इस पर काम किया, उसके बाद ग्रो हो गया था। 2 से 3 महीने आपने काम किया प्रॉपर तरीके से, तब जाके आपकी वीडियो व्यूज जाना शुरू हुआ? सर पहले भी मैं काम किया था और उससे मैं सीखा था और उसी को अप्लाई करके मैंने ग्रो कर दिया है। सही बात है, क्योंकि आपने अपना एक्सपीरियंस लगाया ना, जो चीज आपने सीखा उस चीज को अप्लाई किया अपने चैनल पे और आज आपका चैनल ग्रो हुआ इस लेवल का। अच्छा एक चीज हमको एक बताइए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद हमारी वीडियो वायरल हो गई, तो आप कितनी वीडियो अपलोड किए थे कि आपकी वीडियो वायरल होना शुरू हुई थी? सर मैंने ज्यादा वीडियो नहीं अपलोड किया था, मैंने 60 से 70 वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद वायरल होना शुरू हो गया था मेरा। और लेकिन तो मेरा वीडियो जो है मैंने पहले से एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं मेरा वीडियो जो है अच्छा बनता था, इसलिए मेरा जो है जल्दी चलने लगा। अच्छा, अभी आपके चैनल पे टोटल अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो गांव गांव में चर्चा तो हो गया होगी यार फलाने का लड़का यूट्यूबर बन गया, उसके पास प्ले बटन उठन आया है, तो ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? वो लोग बोलते नहीं है सर, गांव के लोग अभी तो लड़के जो होते हैं, मेरे दोस्त लोग थे वो अभी के टाइम पर मुझसे बात नहीं करते हैं अभी तो। क्यों, क्या रीजन है? सर जैसे पहले तो बोलते थे यही और फिर पता नहीं क्या हुआ सर। अच्छा, मतलब अभी उनसे ज्यादा बातें नहीं होती? नहीं सर। अच्छा चलिए, अब बात करते हैं जैसे कि अगर कोई YouTube पे सक्सेस होना चाहे, जैसे आपकी तरह कोई चैनल को बनाना चाहे, ठीक है? हाँ सर। तो आप क्या आइडिया दोगे कि पहले वो नया चैनल बना के काम करे या फिर ऑलरेडी उसका जो पुराना चैनल है उस पे काम करे? सर मैं तो यही आइडिया दूंगा कि पुराने चैनल पर जो है, अगर आपका चैनल जो है बिल्कुल फ्रेश है, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आए, तो आप उस पर ही काम कर सकते हैं। नहीं तो आप एक बढ़िया फ्रेश चैनल बनाकर न्यू चैनल उसका सारा सेटिंग करके उस पर आप अच्छे से वीडियो बनाइए फुल क्वालिटी में और अपलोड करिए, तो आपका बहुत ही जल्द चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार कि हमारे पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, कैसे YouTube पे काम करें, अच्छा रूम नहीं है, तो आप अभी जब YouTube पर आए थे तो कौन सा मोबाइल था, क्या माइक एक बढ़िया था?
नहीं सर, पहले तो मैं माइक से नहीं करता था, वैसे ही बिना माइक के ही करता था। और मेरे पास मोबाइल जो है रेडमी 9A का था, जो 7-8 हज़ार में आ जाता है। अच्छा, वो मोबाइल किसने, आपके पिताजी ने दिलाया था? यस सर, मेरे पिताजी ने, वो पहले वही चलाते थे, तो उन्हीं ने दिया था। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे लोग ये अक्सर कहते हैं हमारे पास अच्छा रूम नहीं है, तो आप वीडियो कैसे शूट करते हो? मतलब घर पे ही वीडियो शूट करते हो या फिर कहीं बाहर जाके शूट करते हो? सर मैं बाहर जाके खेत में करता था, मेरा एक बगीचा है, वहीं पर मैं जाकर वहीं पर करता था शूट अपना वीडियो। अच्छा, मतलब घर से थोड़ा सा दूर होकर, ताकि कि कोई सुने ना। यस सर, घर से दूर होकर बगीचे में जाकर वहीं पर करता था। तो चलिए बताइए हमको, जैसे एग्जांपल में आप जो वीडियो बनाते हो, आपकी वीडियो में सबसे बड़ी खासियत क्या लगा मेरे को? वो आवाज जो आप देते हो, ठीक है, तो वो आवाज आप देते हो या फिर आपके भाई देते हैं, कौन देते हैं? यस सर, वो मेरा ही आवाज रहता है, मेरा भाई नहीं देता। मेरे चाची का बेटा है, लेकिन तो वो जो है बहुत ही छोटा है, वो उसका तो हमारे घर में दो ही लोग हैं, तो वो बहुत ही छोटा है, वो अभी कुछ नहीं करता है और पढ़ाई करता है, लेकिन तो मैं ही खुद से वॉइस देता हूँ और अच्छे से अपना वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा जैसे आप बोलते हो वीडियो में, तो वो वॉइस आप बोल के दिखा सकते हो कैसे अभी कैमरे के सामने? यस सर, सर जैसे अगर किसी लड़की का निकालना हो तो, अरे चिंकी बेटा तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं स्कूल पर पढ़ने जा रही हूँ और मेरे सभी दोस्त के पास बहुत ही अच्छा अच्छा खिलौना है, तो आप मुझे भी एक खिलौना अच्छा सा दिला दीजिए। देख रहे हो टैलेंट इनका। देखो इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि जितने कैरेक्टर हैं वीडियो में उन सब की आवाज अलग अलग डाली, तो जिससे क्या हुआ ना, फीलिंग जगती है। और ये काम इन्होंने यही किया, अगर तीन लोग हैं तो तीन लोगों की आवाज डालते हैं, और जिस वजह से वीडियो इनका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और एक फीलिंग के साथ एक्सप्रेस होता है, एक फीलिंग के साथ लोगों को दिखता है क्या तीन बंदे बोल रहे हैं, तीन बंदों के अलग अलग आवाज है। यस सर, तो इस तरीके से अगर आप भी वीडियो लेते हो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, अपना अपनी ही आवाज डालो, थोड़ा सा बदल बदल के डालो। मैं तो कहूंगा अगर आप अपनी आवाज डालते हो साथ AI वाइज है, तो सरल ही पड़ेगा, ईजी ही पड़ेगा आपको अपना आवाज डालने में। अच्छा, आपको ये टोटल वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? सर मेरे को जो है वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम, पहले तो बहुत टाइम लगता था, और अभी के टाइम पर तो मैं 10 से 15 मिनट में एक वीडियो बनाकर रेडी कर देता हूँ। 10 से 15 मिनट में एक वीडियो आपकी रेडी हो जाती है? यस सर, पहले तो एक से दो घंटे लग जाते थे। हाँ, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस हो गया ना, देखो कोई भी काम करोगे स्टार्टिंग के दिन में आपको टाइम लगता है उसको समझने के लिए, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो क्या होता है ना कि वो आपका आदत बन जाता है, आप जल्दी जल्दी करने लगोगे। यस सर। अच्छा ये बताइए कि आपका यह जो वीडियो है, आप पर डे कितना बना लेते हो, मतलब पर डे कितनी वीडियो आप एडिट करते हो? सर पर डे तो मैं अभी के टाइम पर 3-4 चैनल पर काम करता हूँ, तो 4 से 4 वीडियो बनाता हूँ, और हर चैनल पर एक ही वीडियो, पहले मेन चैनल उस पर मैं 4 वीडियो अपलोड करता था और अभी के टाइम पर एक ही करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत चैनल को अभी के टाइम पर वो कर रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब ये कि आप 3-4 वीडियो पर डे बना लेते हो? यस सर, 3-4 वीडियो पर डे मैं बनाता हूँ, और पहले भी बनाता था उतना ही। अच्छा, अभी पढ़ाई भी करते हो आप? यस सर, पढ़ाई भी करता हूँ। किस क्लास में हो आप? सर अभी तो 8th में। अच्छा, अभी बताइए हमको, अभी आपकी एज कितनी है यार? सर मेरी एज अभी 14 साल के हूँ, मैं हूँ 14 ईयर्स। 14 साल का? यस सर। देख लो भाई, ये 14 साल के लड़के ने कैसे बनाया 1 मिलियन सब्सक्राइबर, आप देख रहे हो कितना दिमाग लगाया इन्होंने, आवाज भी बदल दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग अभी बड़े बड़े हो गए, मेरे से पूछते हैं कि यार किस पे काम करें, कैसे काम करें, कॉपी पेस्ट वाला पे क्या होगा। ठीक है, पहले करो, अभी इनकी अर्निंग देखोगे, इस उम्र में जो अर्निंग कर रहे हैं ना वो देखकर ताजुब हो जाओगे। ना इनके पास कोई डिग्री है और ना ही अभी कोई एक्सपीरियंस है, बस छोटी सी उम्र में इन्होंने काम शुरू किया और आज आपके सामने है। तो आप जरा ये बताइए हमको, यस सर, कि पढ़ाई के साथ आप अभी इसको यूट्यूब को मैनेज करते हो, तो टोटल पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती? नहीं सर, उसमें भी दिक्कत नहीं होती। मैं कितने घंटे काम करते हो यूट्यूब पे, टोटल कितना देते हो चारों वीडियो बनाने के लिए, टोटल आपको कितना टाइम लगता है? सर मैं 1 से 1.5 घंटे देता हूँ और फिर उसको एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, मैं टोटल 2 घंटे देता हूँ। टोटल 2 घंटे में आपका चारों वीडियो रेडी हो जाता है? यस सर, टोटल। अच्छा, जो आप 3-4 चैनल पे काम कर रहे हो अभी, उन सब से कमाई होती है या फिर कभी केवल अभी इसी चैनल से कमाई होती है? सर इसी चैनल से अभी तो सिर्फ कमाई होती है, और वो सब अभी मोनेटाइज नहीं है, वो भी सर बहुत ही जल्द ग्रो होने लगे हैं और वो भी बहुत ही जल्द हो जाएंगे सर। अच्छा, अभी के टाइम पर इसी से हो रहा है? अभी इसी से हो रहा है, बाकी वो अभी उसे हाल ही में आपने स्टार्ट किया है? यस सर, अभी हाल ही में स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा, चलिए जैसे अगर आपसे भी कोई पूछे, मान लो कि यार भाई हमको बताओ कैसे हम चैनल को ग्रो करें, तो क्या टिप एंड ट्रिक्स आप देना चाहोगे उनके लिए? सर मैं तो यही टिप्स देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो आप अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, और फुल क्वालिटी में अच्छा से अच्छा वॉइस ओवर दीजिए, और अच्छे से वीडियो को बनाइए, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होना कि आपका वीडियो और कंसिस्टेंसी, मेन चीज़ यही होता है सर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर,
अच्छा आप वीडियो कहाँ से लेते हो? सर मैं वीडियो जो है एक चाइनीज ऐप है उसी से लेता हूँ। अब देखो चाइनीज ऐप के बारे में मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तो काफी लोगों को भेज दिया है, सभी लोगों को अपने टेलीग्राम पे अपलोड है। अगर फिर भी अगर आपको चाहिए तो रोहित राज मोटिवेशन टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, उस पर भी 20-22 हजार फॉलोअर है, ठीक है, सब्सक्राइबर जाकर उस पर आप देखिएगा। तो मैं उस पर आज ही जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसी दिन मैं ये जो चाइनीज ऐप है वो भी डाल दूंगा, ठीक है, वो भी अपलोड कर दूंगा, इसलिए जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी अर्निंग के बारे में। तो आपको अभी अगले महीने की कमाई कितना होती है आपको? सर पिछले महीने की कमाई तो मेरी जो है सर 200 से 250 डॉलर की हुई थी। 200 से 250 डॉलर मतलब ये कह लें कि 15 से 20 हजार रुपए हुआ था। यस सर। आपके पिताजी कितना कमाते हैं? 10 से 15 हजार। यस सर। अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पर स्मार्टनेस और हार्ड वर्क में क्या अंतर है। देखिए जो भी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हम लोग जित लोग वीडियो देख रहे हैं सबके घर में यही हालत है, ठीक है। तो ये ध्यान धरो कि इनके पिताजी मेहनत करते हैं घर से दूर जाकर, ठीक है, शहर जाकर मेहनत करते हैं, ठीक है, तब जाके 15 से 10 हजार रुपये कमाते हैं। और ये केवल 2 घंटे काम करते हैं और घर बैठे 15 से 20 हजार रुपये कमा रहे हैं, और वो भी अगले महीने कितना कमा लेंगे इनकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता व्यूज ज़्यादा हो गया तो यही 15 की जगह 50 कमाने लगेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे यूट्यूबर की अर्निंग कभी भी फिक्स नहीं होती, इसलिए मेहनत बस करते रहो। जो मेहनत करता है उसकी अर्निंग कभी घटती नहीं है, मेहनत करने वालों के लिए यहाँ यूट्यूब पे पैसा है। देखो वीडियो बनाने का मेन मकसद यह था कि आप लोग देखो कैसे किस किस घर से लड़के आकर काम कर रहे हैं। अच्छा आपको ये शॉर्ट्स वीडियो के बारे में पता कैसे चला था कि यार हमें शॉर्ट्स वीडियो में इस टॉपिक पे काम करना चाहिए, कैसे पता चला था आपको? सर मैंने आपका ही वीडियो देखा था, मैंने मुझे पहले तो कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने 2022 में ही मैंने ऐसे ही पहले मैं गेम खेला करता था, यही पबजी फ्री फायर यही सब गेम खेला करता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे यूट्यूब चलाना शुरू किया और फिर मैं आपका वीडियो मैंने एक देखा कि एक बच्चे का इंटरव्यू था, तो मैंने वहीं से सीखा और फिर मैंने भी सोचा कि हाँ मैं भी अब वीडियो बनाऊंगा और ग्रो करूंगा अपना चैनल, और मेरा भी सर वो जुनून आ गया था कि मुझे भी करना है यूट्यूब। और आपने फाइनली ग्रो कर भी लिया। यस सर। देख लो यही है भाई मेहनत। सर मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि मेरा भी चैनल कभी ग्रो होगा, मैंने तो बस वैसे ही कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करता गया और मुझे वीडियो बनाना भी अच्छा लगता था। सही बात है, आपने मेहनत किया बहुत बढ़िया, भगवान करे आपका चैनल और ऊपर जाए और ग्रो हो जाओ। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जब एक बच्चा 14 साल का बच्चा मेरी वीडियो देखकर आज यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप में क्या कमी है? आप ग्रो करना चाहते हो अपने चैनल को कि नहीं, यस या नो करके कमेंट में जरूर बताओ कि हाँ आज से मैं पर डे अपने चैनल पर काम करूंगा, कुछ भी हो जाए वीडियो देखूंगा और पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा। ये कमेंट में लिखो कि हाँ आज मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा, चैनल ग्रो करके रहूंगा, कमेंट में लिखो, ठीक है। फिर मिलेंगे वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।